आज हम है कश्मीर की वादियों में ट्राई करने वाले बहुत अमेजिंग सी चीज, तो चलो आओ देखते हैं। ये है मटन यखनी और हमने यहाँ पे बड़े फेमस जगह से लिया है जिसका नाम है पैराडाइज होटल। साथ में इसमें हमारे चावल। तो बच्चों सबसे पहले तो एक काम कर दो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और साथ में घंटा भी दबा दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। क्रीम क्रीम्स वो भाई, ये उतार लिया प्लेट में। पीस दिखाइयो एक बारी, देख रहे हो इसको कितना हेवी ड्यूटी पीस है भाई ये। अब थोड़ा सा इसका चीर हरण भी करके देख लेते हैं कि अंदर से इसमें क्या सीन है। ये वाह बेटे वाह, मौज कर दी भाई। कितना क्रीमी सा है ये दिखने में भाई, वाओ। इसको देख के लग रहा है कि वीडियो छोड़ छाड़ के तो भाई मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको खा ही लूं। तो अब बिल्कुल देरी ना करते हुए मैं अपनी प्लेट में भी थोड़ा सा मामला भर लेती हूँ फटाफट से। तो हम अभी खा रहे मटन यखनी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के मास्टर शेफ मिस्टर आरिफ। तो हमारे को आरिफ अभी बताएंगे कि मटन यखनी बनती कैसे है। मटन का गोश्त ले आइए आप, उसको बॉईल करिए, बहुत बॉईल करके वो थोड़ा हल्का सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में मसाले डाल दीजिए, जैसे कश्मीरी मसाला आता है यखनी का वो डाल दीजिए और लास्ट में जब ये तैयार हो जाए आपकी, उसके बाद में दही डालनी पड़ेगी। मगर दही को घोटिए, पूरा घोटना, हाँ घोटना है, वो फटनी नहीं चाहिए। अगर दही कैसे फट जाती है? दही छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके। ओ हाँ हाँ हाँ, वैसे इसको घोटना है पूरा। जितना आप घोटोगे इसको तो ये बिल्कुल पानी जैसी हो जाएगी, तो ये यखनी बन जाती है। इसमें गोश्त को मिलाना है दही को और इसमें मसाले वसाले भी डालते होंगे। मसाले इसको दालचीनी डाल दो, बड़ी इलायची डालनी, दालचीनी और तेज पत्ती और नमक, हरी मिर्ची डाल दीजिए इसमें, लाल मिर्ची और मिर्च डाल दीजिए। आपके साथ ही रहूंगा, चिकन नहीं मटन का, मटन का ये गर्म नहीं होगा ना पूरा। इसका एक और बता, उसका नाम है क्या नाम है, आप गोश्त, वो दूध का बन गया। थोड़ा सा टाइट टाइट सा तो पीस लग रहा है भाई, ये टूट ही नहीं रहा है, बट इवेंचुअली कामयाबी नसीब हो ही गई अपने को भाई। ये हम एग्जैक्टली बताऊं तो पहलगाम में बैठ के खा रहे हैं जो कि कश्मीर में ही है। यहाँ मार्केट में एक पैराडाइज नाम का होटल है, काफी फेमस है और बहुत ज्यादा टेस्टी खाना है यहाँ का, कभी आओ तो जरूर ट्राई करना। बाबा लोग इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना और सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, साथ में घंटे वाला बटन भी दबा ही डालो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। अरे मैं एक दोस्त से मिल रहा हूं। कौन सी वाली? 6 बजे। लड़की है लड़का? लड़की से मिलाओ, किसी लड़के से मिला रहे हो बस? दिल्ली रहती है वो।